1998 में रजत बेदी की पहली मूवी आई 2001। दोस्तों इस मूवी का बजट 3,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 2,55,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने करीबन 4,47,00,000 रुपए कमाए और मूवी फ्लॉप रही। 1999 में इनकी दूसरी मूवी आई इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस मूवी का बजट 7,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 8,90,00,000 की हुई और मेरे दोस्त इस मूवी ने पूरी दुनिया में करीबन 13,30,00,000 रुपए कमाए और ये मूवी एवरेज रही। 2001 में इनकी तीसरी मूवी आई इंडियन। दोस्तों इस मूवी का बजट 15,00,000 था। इंडिया में इसकी कमाई 24,22,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने करीबन 35,15,00,000 रुपए कमाए और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जोड़ी नंबर 1। इस मूवी का बजट 11,00,000 था। इंडिया में कमाई 18,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने करीबन 28,66,00,000 रुपए कमाए और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 2002 में इनकी मूवी आई अब के बरस। इस मूवी का बजट 5,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसने 3,00,00,000 रुपए कमाए। पूरी दुनिया में करीबन 4,34,00,000 रुपए कमाए और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई अंगार। इस मूवी का बजट 90,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 60,00,000 की हुई और दोस्तों पूरी दुनिया में इसने करीबन 98,98,00,000 रुपए कमाए और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अंश। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 75,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,30,00,000 रुपए कमाए और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई चोर मचाए शोर। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसने 7,66,00,000 रुपए कमाए। पूरी दुनिया में इसने 11,80,00,000 का काम किया और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जानी दुश्मन। इस मूवी का बजट 18,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 10,70,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 15,55,00,000 का काम किया और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई काबू। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 60,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,00,00,000 रुपए कमाए और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माँ तुझे सलाम। इस मूवी का बजट 13,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 13,32,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 19,00,00,000 रुपए कमाए और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वाह तेरा क्या कहना। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 1,80,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 2,70,00,000 रुपए कमाए और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद रजत की मूवी आई ये दिल आशिकाना। इस मूवी का बजट 4,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 6,20,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 8,80,00,000 रुपए कमाए और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद 2003 में रजत बेदी की मूवी आई बॉर्डर हिंदुस्तान का। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 60,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 93,00,000 रुपए कमाए और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई चालबाज। इस मूवी का बजट 75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसने 32,00,000 का काम किया। पूरी दुनिया में करीबन 50,00,000 रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कोई मिल गया। इस मूवी का बजट 30,00,000 था। इंडिया में कमाई इसकी 47,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 75,55,00,000 का काम किया और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई द हीरो। इस मूवी का बजट 35,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 26,25,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 40,00,00,000 रुपए कमाए और मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रक्त। इस मूवी का बजट 12,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5,30,00,000 की हुई और दोस्तों पूरी दुनिया में इसने करीबन 8,00,000 रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। 2004 में इनकी मूवी आई वो तेरा नाम था। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 90,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,35,00,000 रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। 2005 में इनकी मूवी आई धमकी। इस मूवी का बजट 90,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 13,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में करीबन 18,00,000 रुपए कमाए और मूवी बहुत बुरी तरीके से डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई फन। इस मूवी का बजट 2,00,000 था। इंडिया में इसने 2,30,00,000 रुपए कमाए। पूरी दुनिया में इसने 3,30,00,000 रुपए कमाए और मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई खामोश। इस मूवी का बजट 4,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 72,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,00,00,000 रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई निशान। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 18,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 26,00,000 रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई वह लाइफ हो तो ऐसी। इस मूवी का बजट 13
12 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड़ 85 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए कमाए और मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद 2006 में रजत की मूवी आई अक्सर। इस मूवी का बजट 5 करोड़ 25 लाख रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 8 करोड़ 55 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इसने 12 करोड़ 20 लाख का काम किया और मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जाने मन। इस मूवी का बजट 35 करोड़ था। इंडिया में इसकी कमाई 25 करोड़ की हुई। पूरी दुनिया में इसने 45 करोड़ रुपए कमाए और मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रॉकी। इस मूवी का बजट था 9 करोड़ 25 लाख रुपए। इंडिया में इसने 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। पूरी दुनिया में इसने 3 करोड़ रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। 2007 में रजत की मूवी आई लाइफ में कभी कभी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। इंडिया में कमाई 75 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1 करोड़ रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पार्टनर। इस मूवी का बजट 28 करोड़ था। इंडिया में इसकी कमाई 60 करोड़ की हुई। पूरी दुनिया में इसने करीबन 99 करोड़ रुपए कमाए और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई द ट्रेन। इस मूवी का बजट 7 करोड़ 75 लाख रुपए था। इंडिया में इसने 5 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। पूरी दुनिया में इसने 7 करोड़ 18 लाख रुपए कमाए और मूवी डिजास्टर रही। 2018 में इनकी मूवी आई टेरर स्ट्राइक। इस मूवी का बजट 7 करोड़ 75 लाख रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड़ 10 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इसने 7 करोड़ 18 लाख रुपए कमाए और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह था रजत बेदी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।